एग्जामिनेशन का, जैसे टर्म वन और टर्म टू, यही एग्जामिनेशन हुआ है और इंटरनल असाइनमेंट के हिसाब से ये 20 नंबर का हुआ, ठीक है। अगर आप एग्जाम में मिनिमम भी नंबर, चूंकि टर्म वन में सभी के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, अगर आप 18 से लेकर अगर आप 25 नंबर भी आपके बीच में है और टर्म टू में अगर 10 से लेकर 20 के बीच में नंबर है और ये 15 से 18 है, मैं एक एग्जैक्ट डेटा में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि किसी बच्चे का एग्जैक्ट डेटा लिया नहीं जा सकता है, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि अगर आप इतना नंबर भी ला रहे हैं टर्म टू में, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज है, डाउट में है, क्योंकि इसलिए क्योंकि इसमें यहाँ पर पेपर जो लिखे हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव था, तो बच्चों का मार्क्स हो सकता है कम आए, लेकिन टर्म वन में तो अच्छे मार्क्स आए हैं, 25 से ज़्यादा 30-35 भी आए हैं, फिर भी आप देखिए कितना आसानी से आप पास हो रहे हैं। अगर आप इसको जोड़ते हैं 10, 8, 28 और 25 और 10 हो गया 45। देखिए मैंने कह रहे थे ना, देखिए यह 15 से 18 इंटरनल मार्क्स जो है ये इससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि स्कूल आपको अपने रिजल्ट को सुधारना होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 15 से अगर 18 भी मिलता है तो देख लो, यहाँ पर अगर 28 अगर है और 15 अगर आप जोड़ देते हो तो ये हो गया आपको 43। देखिए पास तो आप हो गए, क्योंकि सीबीएसई कह रही है कि हमको 33% चाहिए सभी मार्क्स मिला के, तो फिर आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। अगर आप इधर बात करते हैं 45 इधर है और इधर आपको 18, 8, 5, 13, देखिए 63 बोल रहा ना कि मैक्सिमम बच्चे अबाउट मैक्सिमम, जी हाँ मैक्सिमम बच्चे जो है वो आपका 50% से लेकर 85% के बीच में रिजल्ट होगा, ये नोट कर लो बाबू, एकदम रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10 वाले के लिए खास करके बता रहा हूँ, 12 वाले बच्चों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी अच्छे मार्क्स होंगे, आपको अभी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एकदम इत्मीनान रहे और आगे की प्लान करें, ये बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम सब जो है अभी देखें, क्योंकि रिजल्ट के बारे में आपको पता है, रिजल्ट अब बेहद जल्द आने वाला है, कहा जा रहा है लास्ट वीक ऑफ जून भी आ सकता है, जून के लास्ट वीक में भी आ सकता है, लेकिन पूरे यूट्यूब में ये बात नहीं बताया गया कि, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 12 वाला रिजल्ट जो है वो बाद में निकाला जाएगा, इस बार क्लास 10 का रिजल्ट आपको पहले निकाला जाएगा, ये बातें निकल कर सामने आ रही है, क्लास 10 का रिजल्ट पहले आएगा और क्लास 12 का रिजल्ट बाद में आएगा, ये सबसे बड़ा, वो भी ये भी कोशिश किया जा रहा है कि 15 जुलाई से पहले आ जाना चाहिए, यानी 15 जुलाई तक। देखिए ये तो आपका जो ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट हो रही है, लेकिन सीबीएसई अभी तक किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, सिर्फ लीडिंग न्यूज चैनल से माध्यम से बात करते हुए बातें हम लोगों के सामने आ रही है, और जो भी हम लोगों के टीम से जो है सीबीएसई के जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, टीम का कहने मतलब जो स्कूलों में पढ़ाते हैं उनसे जो कंसल्ट के द्वारा से ये सब अपडेट आपको शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आपको 11th क्लास के लिए जल्द से जल्द आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा और बाबू पढ़ाई एकदम स्टार्ट कर दो, अब वक्त नहीं है आपके पास, जी हाँ आप समय बहुत कम बचा है। सो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो से थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर मिला होगा, रिजल्ट लेके ज़्यादा पैनिक होना नहीं है और हमें बेहतर रिजल्ट करना है। सो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ, देखो काफ़ी पसीना से काफ़ी मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों के अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, जो लोग कह रहे हैं ना इस बार रिजल्ट खराब आएगा, पैनिक होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइस अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।